गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे, राम राम। और आप सब कैसी हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल तो बहुत बारिश हुई थी इधर, और मैंने ये संडे को कपड़े धुले थे, तो ये सूखे नहीं थे तो मैंने उठा के अंदर रख दिए थे। तो यहाँ सुबह मॉर्निंग में मैं कपड़े फैलाने लगी, मैंने सोचा चले सबसे पहले धूप निकली है, आज तो बहुत अच्छी धूप निकली है, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले हम कपड़े डाल देते हैं यहाँ पे और बाकी काम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े फैलाने लगी, तो आज तो बहुत अच्छी धूप निकली है। कल तो दो दिन से बारिश हो रही थी इधर भी बहुत तेज। तो आज मैंने, ये मेरा बेटा भी आया हुआ था, दिल्ली में रहता है, तो वो चला गया था, तो उसके बाद में कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, तो इधर मैं कपड़े धुल के और मैंने इधर डाल दिए, और मेरे भी अपने भी थे, मैं भी यहाँ नहीं थी, मैं भी दिल्ली गई हुई थी। तो ये सब कपड़े धुलने के बाद में, फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलिए कपड़े मैं फैला देती हूँ, बाद में चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे कपड़े सारे हमने फैला दिए, और ये प्लांट हमारा देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। और पीछे हमारे क्या नाम है, इधर जो वो है एक छोटा सा गार्डन है, तो यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हल्का ग्रीन ग्रीन सा होता है, थोड़े पौधे वौधे देख के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। तो ये कुछ हमारे प्लांट जो हैं वो सूख गए थे, ये अजवाइन की पत्तियाँ हैं, ये भी हल्की सी सूख गई थी लेकिन फिर भी ठीक हैं। और इधर क्या नाम है, ये देखिए छोटा सा फूल निकला हुआ है। और यहाँ पे ये बेटा गया था दिल्ली कल घूमने, तो उसकी कुछ पिक्स थी मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में। तो ये छोटे छोटे से प्लांट को देख के बड़ी मतलब अंदर से पॉजिटिव बनाता है। इधर हमने चाय बना ली है, तो हम चाय पीते हैं। तो बस सुबह उठ के मेरा डेली का रूटीन यही रहता है कि मैं सुबह थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, वॉक करने के बाद में, और इधर मैंने चाय बना ली, तो चाय पीते हैं, बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो घर का यही डेली का रूटीन रहता है कि सुबह उठ के चाय पी, कपड़े वगैरह, तो काम बहुत सारे रहते हैं, तो मैं आप लोगों को पूरी वीडियो प्रॉपर नहीं दिखा पाती हूँ, जो मैं सही समझती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर लेती हूँ। इधर मैं बालकोनी में आ गई थी, तो मैं टहल टहल के चाय पीने लगी थी, तो थोड़ी सी धूप अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या नाम है, हमने कहा कि चलिए आज हम रोटी सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने करीब 3 चम्मच हमने डाला था, 3 टी स्पून दही। तो हमने कहा लस्सी बनाते हैं, थोड़ा सा काला नमक। तो इस तरह से आप लस्सी बना सकते हैं, जरूर नहीं मार्केट में लस्सी ला सकते हैं, तो आप 2-3 चम्मच इसमें दही डाल के, पानी डाल के और थोड़ा सा काला नमक डाल के, और इसको क्या नाम है, खाने के साथ में अगर 1 ग्लास पानी ना पिए, ये लस्सी पिए खाने के साथ में, तो बहुत फ़ायदा करती है। तो मैंने तो इधर लस्सी बना ली, ऊपर से मैंने हल्का सा काला नमक और ये भुना हुआ जीरा डाल दिया। तो ये आज मैंने डिनर में बनाई थी, ये जो है लस्सी, मतलब लंच में ये लस्सी है, रोटी और सब्जी। तो हमने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में हम ये शेयर कर देते हैं। तो लस्सी बनाना बहुत ही जी, अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में आप कम से कम 1 ग्लास में 2 चम्मच दही डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, हल्का सा काला नमक, तो ये बहुत फ़ायदा करती है, और पेट के लिए भी, गर्मियों में इस तरह से आप इसको पी सकते हैं। तो ये है आज हमारा का दोपहर का ये लंच। तो ये लंच में हमने बनाई है रोटी, और ये आलू की सब्जी है, और ये है लस्सी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में, लंच कर लीजिए आके। तो मैं तो आज हल्का सा इस तरह से खाना खाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मन था इस तरह से खाना खाने का, तो मैंने ये बनाया है आज का लंच। तो फ्रेंड्स, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद में हम आपसे मिलते हैं, और आप लोग भी खा लीजिए आके हमारे साथ में खाना। तो फ्रेंड्स, ये कल मेरा बेटा, उसकी सैटरडे की, संडे की छुट्टी होती है, थोड़ा सा अपना दिल्ली में घूमने गया था, म्यूजियम वगैरह, तो उसने कुछ पिक्स डाली थी, हमने शेयर कर दी। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है, लाइक करिए, कमेंट्स करिए।